लोग बॉलीवुड वालों का चूतियापा अलग ही चलता है, जब लाते हैं तो सारे कंटेंट एक साथ ले आते हैं जो अच्छे होते हैं, देन उसके बाद फिर एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि भाई हमारा नंबर्स नहीं आ पाया, बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन नहीं आ पाया, उससे पहले सूखा पड़ा रहता है। अभी वेदा मूवी भाई पिछले एक साल से देख रहा हूँ कि ये अब रिलीज हो, क्योंकि काफी ये इसके टीजर जो भी आते सब प्रॉमिसिंग थे, लेकिन नहीं, इन्हें पता था और उड़ता तीर भी तो उन्हें लेना है। 15 अगस्त को स्त्री 2 पहले ही आ रही है, वो डेट पहले ही सिक्योर करके रख चुके हैं, लेकिन वेदा वालों ने जबरदस्ती उंगली में करी है। 15 अगस्त को भाई साहब वेदा मूवी भी आ रही है, ट्रेलर ड्रॉप आउट हो चुका है और ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है। रिव्यू करने से पहले भाई साहब ट्रेलर को अगर एक लाइन में डिफाइन करूं तो ट्रेलर इज फकिंग ऑसम। भाई बॉलीवुड वालों का अलग सिनेरियो चल रहा है, या तो ये एक्शन में जबरदस्त मूवी बना रहे हैं या तो एक्शन की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, जो अभी हम पिछले मूवी देखकर आ चुके हैं। पहले एनिमल मूवी जो फाड़ थी भाई, देन उसके बाद किल एंड नाउ वेदा, वही सारी चीजें जो एनिमल एंड किल लेके चल रही थी, वही सारी चीजें ये मूवी भी कंटिन्यू करने वाली है। वो एक्शन, वो ब्रूटल एक्शन, वो गोरी एक्शन, भाई एक एक मूव में वो गोर देखने को मिल रहा है अपने जॉन इब्राहिम के भाई, और जॉन इब्राहिम को एक्शन में तो सूट कर ही सकते हैं। तो भाई ट्रेलर ऑसम है, एक्शन तो भरपूर मिलने वाला है। दूसरा कहानी एंड कंटेंट की बात करें तो पूरी फ्रेशनेस की बू आ रही है। कुछ जात पात के व्यवस्था के बारे में सीन होने वाला है, जहां पर भाई अब अहिंसा से बात नहीं चलेगी, उसको हथियार उठाना पड़ेगा, यानी एक्शन से यानी हिंसा से अब वो जवाब देना पड़ेगा, जो फ्रेशनेस की एक बू दे रहा है। सरवरी लुक्स फैंटास्टिक भाई, ये अलग ही अंदाज है सरवरी का, जो जबरदस्त जमते नजर आ रही है एक्शन में खा रहा है। उसके बाद भाई विलेन के एंगल में अभिषेक बैनर्जी, बाबा जब ये बनता है ना विलेन, फाड़ के रखता है, और यस इसकी वो अलग है, ये अलग ही वो टोन अलग है इसका, वो पोटेंशियल ही अलग है भाई, इसके विलेन का जो एंगल मैचअप करना वो पोटेंशियल ही अलग है अभिषेक बनर्जी का। तो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाकी 15 अगस्त को यार दोनों ही अच्छी मूवी हैं, स्त्री 2 भी उसके लिए वेट था काफी लंबे समय से और अभी भी है, नर्स को वेदा भी प्रॉमिस कर दिया है, इसके लिए भी वेट था। देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कौन सी मूवी पहले देखेंगे, बाबा नीचे कौन से जरूर बता गया ना। बाकी भैया सुबह से ही सरप्राइजेस मिल रहे हैं, आंखें खुली तो स्क्विड गेम्स 2 जो सीजन 2 है वो अनाउंसमेंट हो चुका है, 26th ऑफ दिसंबर को सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। वही मौत का नंगा नाच जो खेल खेल में यानी मजे मजे में धज्जियां उड़ाई जाती है पूरे गेम्स में, और बाबा हर एक व्यूअर जो यहाँ बैठा होगा सीजन 1 जिसने भी देखा होगा उसके गोटे जरूर मुंह तक आए होंगे, क्योंकि मेरे भी आते थे हर एक सीन में, हर एक मोमेंट में, हर एक गेम्स में, क्योंकि उनका हर एक मोमेंट भाई साहब क्लाइमेक्स वाला होता था। सीजन 2 के लिए वेट है, इसमें क्या क्या दरिंदगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें तो भाई बहुत कुछ था, जिसने देखा है उसे पता ही होगा। बाकी यहाँ तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोनों ट्रेलर अगर आपने देख लिए हैं तो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना भाई। दोनों मूवी के लिए वेदा मूवी के लिए वेट है एंड स्क्विड गेम्स के लिए भी वेट है, डेट नोट कर लेना 26th ऑफ दिसंबर को आ जाएगा सीजन। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 ये चल रहा है बाबा, 8th एपिसोड आने वाला है, और इस यूनिवर्स के फैन हो यानी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के फैन हो तो ये वीडियो आपको दिख रही होगी, चेकआउट कर लेना। बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 2 पे भाई साहब बहुत सी वीडियोज आ चुकी हैं, जबरदस्त स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं, तो चैनल चेकआउट कर लेना। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का मजा लेते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।